हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और मेरा नाम है अमरजीत और इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टिल लाइफ होती क्या है। तो जैसा आप स्टिल नाम से ही समझ सकते हैं कि स्टिल का मतलब होता है रुका हुआ और लाइफ का मतलब होता है जिंदगी। तो देखिए, स्टिल लाइफ से तरह समझ गए क्या मतलब है। जैसे इसका नाम वैसा इसका काम। तो जैसे स्टिल मतलब कोई भी चीज़ है, मानो जैसे मेरे सामने कोई पत्थर है, पत्थर का जहाँ पर जैसे मानो कोई जग है, गमला है या फिर कोई भी चीज़ जो अपनी जगह से हिल नहीं सकती, नॉन लिविंग थिंग जो अपनी जगह से हिल नहीं सकती, जब तक हम उसको हिलाए ना, तो उसको ही स्टील कहेंगे, स्टील। और हमें उसके पोर्ट्रेट बनानी है। जैसे कि मैं ये जग है, अब मान लो जग है, मेरे सामने जग रखा हुआ था, तो मैंने उसकी ही ड्राइंग बनाई है, तो इसको कहेंगे स्टील लाइफ ड्राइंग, क्योंकि अपनी जगह पर रखा हुआ था और मैंने उसकी ही ड्राइंग बनाई है, तो उसको ही कहेंगे स्टिल लाइफ ड्राइंग। तो स्टिल लाइफ ड्राइंग के फायदे ये होते हैं कि जब भी आप लाइफ पोर्ट्रेट बनाने जाते हैं तो आप लाइफ पोर्ट्रेट तो आपको आसानी होती है, आपकी एक तरीके से प्रैक्टिस होती है लाइफ पोर्ट्रेट बनाने की, इससे शेडिंग भी अच्छा होता है। तो अब स्टिल लाइफ बनाते कैसे हैं? तो स्टिल लाइफ में कुछ मेन चीज़ें होती हैं जिन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है, जब भी आप कोई बनाने जाए, जैसे कोई सब ऑब्जेक्ट, जैसे जग, गिलास या कुछ भी, चाहे वो पेंसिल क्यों ना हो, आपको एक छोटा सा इमेज ऊपर की तरफ बनाना है। आप शायद देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आप इमेज यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने पहले ये बड़ा सा ये जग बनाने से पहले यहाँ पे छोटा सा उसका आउटलाइन बनाया, फिर उसके बाद यहाँ से मेजरमेंट के लिए वो स्केल डाले कि यहाँ पे मेजरमेंट लेना है कि यहाँ पे मेजरमेंट लेना है। तो इससे पहले कि छोटा सा आप बनाए और फिर उसके हिसाब से आप पूरा ड्राइंग बनाए। तो पहले मैंने जग बनाया था, तो पहले मैंने इसका वो छोटा सा फिगर बनाया, फिर जहाँ से लेना था उस हिसाब से नाम बनाया। तो सबसे पहले मैंने इस जग को बनाने के लिए एक छोटी लाइन खींची, फिर यहाँ से एक लाइन खींची, फिर यहाँ और फिर इसका गिलास बनाने के लिए यहाँ से और यहाँ से। तो फिर इसका मैंने यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे लाइन खींची इसको ऐसे, तो फिर यहाँ से भी बना दी कि नीचे की तरफ कितना होगा। तो फिर उसके बाद मैंने फिर यहाँ से एक आयफली आउटलाइन बनाना शुरू किया। फिर उसके बाद अब जो बाकी चीज़ें होती है, पहले लाइट सोर्स कि लाइट आ कहाँ है, कहाँ से आई है, यहाँ से आई है, यहाँ से आई है, कहीं से भी, ऊपर से नीचे से, कहाँ से आई लाइट सोर्स। तो अगर लाइट सोर्स यहाँ से है तो यहाँ पे जो भी एरिया होगा वो ब्राइट होगा और यहाँ पे होगा ब्राइट, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। फिर मटेरियल देखना कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग है, ग्लास है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, ग्लास है या फिर रफ है, सॉफ्ट है, तो ये रिफ्लेक्ट है इसका। फिर जैसे ग्लास की, फिर मैंने यहाँ पे ये ग्लास की रिफ्लेक्शन यहाँ दिखाई जाइए। तो फिर उसके बाद मैंने लाइट उनका वो आउटलाइन बनाया, फिर उनकी फिर उसमें शेडिंग की। अब लाइट यहाँ से आई है तो देखोगे कि मैंने यहाँ का जितना भी एरिया वो डार्क रखा है और यहाँ पर जितना भी एरिया है वो लाइट रखा है, क्योंकि लाइट यहाँ से आई है तो यहाँ पर लाइट होगा और यहाँ पीछे शेडो बनेगी और यह है ज़मीन पर जो बनी है शेडो। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर वो थोड़ा सा डार्क था तो यहाँ पर हमने शेडिंग की है और यहाँ पर लाइट होते लाइट हो गया। एक होता है हॉटस्पॉट, जो ध्यान देने वाली चीज़ है, हॉटस्पॉट वो यही होते हैं जो कोई रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, जैसे कि ये जगह है हॉटस्पॉट, क्योंकि इसमें लाइट टू डार्क नहीं जाए, इसमें सीधा बॉर्डर पे आउटलाइन बना के सीधा ही लाइट है और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लाइट है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसको ही हॉटस्पॉट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइट बनती है, इनको हॉटस्पॉट कहेंगे क्योंकि यहाँ पर लाइट एकदम रिफ्लेक्ट हुई है, क्योंकि सबसे ब्राइटेस्ट एरिया है इस पूरे ऑब्जेक्ट का, या और ये एक ही नहीं, दो या तीन भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ इस जगह पे मैंने इस ग्लास का रिफ्लेक्शन दिखाया है, फिर मैंने यहाँ पर शेडो ड्रॉ किया इस हिसाब से। फिर इसके बाद और जो तीसरी और अगली चीज़ होती है वो इसका कहाँ पे चीज़ रखी गई है, इसके पीछे का सारा बैकग्राउंड। आप जब भी स्टिल लाइफ बनाए तो बैकग्राउंड का थोड़ा ध्यान रखें कि वो चीज़ कहाँ पर रखी है और कितने कॉन्टैक्ट पे है। तो यहाँ पर चीज़ रखी है, तो मैंने यहाँ पर एक पतली सी लाइन खींचनी है, एकदम 10B या कोई सी 9B की डार्क पेंसिल लेके यहाँ से पतली लाइन खींचती, क्योंकि ये डार्क होगा। फिर उसके बाद कोई भी ब्लेंडिंग स्टैम्प लेके यहाँ से ऐसे ब्लेंड करना है। फिर जब सारा हो जाए
तो क्या कहते, कोई भी वाइट जेल पेन या हाई मोनो इरेजर से थोड़ा इरेज कर देना है कि फ्लैक्स लाइट दिखाने के लिए। अब यहाँ पे शेडो बन गई है। अब आपको ये अब देखिए एक चीज़ आप नोटिस की कि मैंने इसका फ्लैक्स से यहाँ बनाया था कि रिफ्लेक्टिव मटेरियल है। अब आपको एक इमेज दिखाई देगी जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने रखा है कि स्टीलर बनाते कैसे। तो पहले लाइट सोर्स आता है, फिर उसके बाद हॉट वाटर एरिया आता है, फिर उसके बाद वो लाइट टू डार्क जाता है और फिर सबसे डार्केस्ट एरिया आता है, वो शैडो हो सकती है पीछे वाला कोई सा भी पार्ट। इससे आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाती है शेडिंग, आउटलाइन और लाइट पोर्ट्रेट की। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम बनाना सीखेंगे एक जग का स्टील लाइफ ड्राइंग, चाहे बॉल या कोई सा भी, कल हम स्टील लाइफ ड्राइंग बनाना सीखेंगे और मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब करके देना।